इस दुनिया में तीन चीजों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, पापा के मार्क्स, मम्मी का गुस्सा और ग्लोबल वार्मिंग। कभी भी बढ़ जाते हैं, गर्मियों में ओले टपक रहे हैं और सर्दियों में सूखा पड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब से हमें मई और जून में समर की जगह विंटर वेकेशन देंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने स्कूल एकदम होले होले जानता हूँ। जैसे ही मैं पहली गली के अंदर गया, मेरा स्वागत उधर बारिश ने किया और मुझे पूरा घी लगा के चली गई। भगवान की कृपा से मेरे पास उस समय छाता पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने छाते को खोला और दूसरी गली के अंदर गया, मेरा स्वागत इस बार बारिश ने तो किया लेकिन तूफान के साथ किया और मेरा छाता उड़ गया तूफान के झोंके से। याद है कि तेरी आई होप यू लिव अ बेटर लाइफ। उस छाते की याद में मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार पेड़ों के नीचे जाऊंगा। पेड़ों के नीचे से जाते जाते जैसे ही मैं किसी गली के अंदर गया, इस बार मेरा स्वागत बारिश ने तो नहीं लेकिन सूरज चाचा की गर्मी ने जरूर किया और मुझे इस बार पसीने से गीला करके चली गई। ये सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे सामने से लोग भागे बहुत तेजी से, उनके आगे एक कार। तो मैंने सोचा कि कोई बॉलीवुड का एक्टर आया होगा, तो मैं भी अपने उसेन बोल्ट वाले पैरों के साथ भाग गया 120 की स्पीड पे। कार के आगे जाने के बाद मैंने ये देखा कि भाई साहब ने तो कार्बन फुटप्रिंट कम कराने के लिए अपनी गाड़ी के ऊपर बगीचा बनाया हुआ है और लोग उसके पीछे फलर फूल तोड़ने के लिए भाग रहे हैं। ये सब को छोड़ते हुए फाइनली बड़ी मेहनत के बाद मैं स्कूल पहुंच गया और मेरे आंखों के सामने बड़े बड़े बोर्ड पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्कूलों की एक हफ्ते की छुट्टी करा दी। मैंने लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा, फिर लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा। राइट साइड में एक बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ है, बर्गर के साथ पिज्जा फ्री, कोल्ड ड्रिंक के साथ टैक्सी फ्री। मैंने सोचा मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है, बारिश के साथ तूफान फ्री, गर्मी के साथ पसीना फ्री। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए केसों से तो तुम लोग भी मेरे ठंडे जोश पे हंस रहे हो।